चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। सरदार शहर राजस्थान राज्य के चूरू जनपद में चूरू से लगभग 55 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में बसा, जिले की 10 तहसीलों एवं 2 रोडवेज डिपो में एक, राज्य के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 40 शहरों में एक, IASE डीम्ड विश्वविद्यालय का गृहनगर, सोमनाथ मंदिर एवं इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर जैसे तीर्थ स्थलों की नगरी, अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों, आलीशान घंटाघर एवं ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाने वाला शहर। तो आइए सरदार शहर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं शहर के व्यस्ततम चौराहे अशोक स्तंभ चौराहे से। यह चौराहा शहर का सबसे बड़ा चौराहा है। यहां उत्तर की ओर का मार्ग हनुमानगढ़ श्री गंगानगर की ओर, पूर्व की ओर का मार्ग तारानगर राजगढ़ की ओर, दक्षिण की ओर का मार्ग रतनगढ़ चूरू की ओर एवं पश्चिम की ओर का मार्ग सरदार शहर मुख्य शहर की ओर प्रवेश करता है। यह सड़क शहर में मेन रोड अथवा बस स्टैंड रोड के रूप में जानी जाती है। सरदार शहर की स्थापना बीकानेर साम्राज्य के महाराजा रतन सिंह जी के कालखंड में अलवाना गांव की भूमि पर 1838 में महाराजा रतन सिंह ने अपने पुत्र सरदार सिंह के नाम पर की थी। इसे एक सुनियोजित शहर के रूप में विकसित किया गया एवं बीकानेर साम्राज्य में एक मुख्य व्यापारिक नगर के रूप में स्थापित किया गया। मुख्य सड़क पश्चिम में बढ़ते हुए कच्चा बस स्टैंड से गुजरती है। कच्चा बस स्टैंड से आसपास के शहरों में बस सेवाओं का संचालन किया जाता है। कच्चा बस स्टैंड से मुख्य सड़क पश्चिम में गांधी चौक एवं घंटाघर की ओर बढ़ जाती है। सरदार शहर सिटी एवं सिटी में समा चुकी ग्राम पंचायतों को जोड़कर सरदार शहर सिटी में वर्तमान में लगभग 1,15,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान राज्य का 35वां, बीकानेर संभाग का 6ठा एवं चूरू जनपद में चूरू एवं सुजानगढ़ के पश्चात 3रा सबसे बड़ा शहर है। मेन रोड पश्चिम में बढ़ते हुए थाने से होकर सरदार शहर के रोडवेज बस डिपो से गुजरती है। सरदार शहर से राजस्थान राज्य के मुख्य शहरों समेत दिल्ली आदि को बस सेवाएं संचालित की जाती हैं। बस स्टैंड से पश्चिम की ओर मेन रोड गांधी चौक एवं घंटाघर की ओर बढ़ जाती है। सरदार शहर शहर की स्थापना से देश की स्वतंत्रता प्राप्ति तक बीकानेर साम्राज्य का ही भाग रहा। देश की आजादी के पश्चात राजस्थान राज्य का सृजन होने पर यह राजस्थान राज्य का हिस्सा बना एवं चूरू जनपद में एक तहसील के रूप में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में सरदार शहर चूरू जनपद की 10 तहसीलों में एक है। बस स्टैंड मार्ग पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शहर के व्यस्त चौराहे गांधी चौक पर पहुंचता है। गांधी चौक पर सदैव व्यस्तता बनी रहती है। यहां नगर पालिका सरदार शहर का प्रशासनिक कार्यालय भी स्थित है। गांधी चौक से पूर्व की ओर बस स्टैंड मार्ग एवं आचार्य तुलसी मार्ग एवं पश्चिम की ओर शहर का मुख्य बाजार घंटाघर की ओर प्रारंभ होता है। यह मार्ग शहर में मेन बाजार के रूप में जाना जाता है। बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान दोनों ओर कतारबद्ध दिखाई पड़ते हैं। आसपास के ग्रामीण एवं शहर के लोग यहां बड़ी संख्या में खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। मेन बाजार पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शहर के दिल घंटाघर चौक पर पहुंचता है। घंटाघर चौराहा सरदार शहर का हृदय केंद्र है। इस भव्य एवं आकर्षक घंटाघर का निर्माण 1972 में टांटिया परिवार ने कराया था। घंटाघर से उत्तर में सब्जी मंडी मार्ग, उत्तराधा बाजार, दक्षिण में दुगड़ स्कूल मार्ग, पूर्व में मेन बाजार बस स्टैंड की ओर एवं पश्चिम की ओर सड़क रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ जाती है। रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाला मार्ग भी पूर्णतः व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। सरदार शहर व्यापारिक दृष्टिकोण से चूरू जनपद का महत्वपूर्ण शहर है। सरदार शहर को देखने पर यह सामान्यतः एक जिला स्तर के शहरों जैसा विकसित शहर ही दिखाई पड़ता है। ऐतिहासिक हवेलियां एवं इमारतें सरदार शहर के ऐतिहासिक वर्चस्व को दर्शाते हैं। सरदार शहर चूरू जनपद के 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी एक है। यहाँ के स्थानीय निवासी चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। रेलवे स्टेशन मार्ग पश्चिम की ओर माहेश्वरी भवन,
गणेश मंदिर आदि से होते हुए शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित सरदार शहर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। सरदार शहर रतनगढ़ जंक्शन से रेलमार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। रतनगढ़ से आने वाला रेलमार्ग यहां आकर समाप्त हो जाता है। वर्तमान में सरदार शहर को रेल द्वारा हनुमानगढ़ अथवा सूरतगढ़ जंक्शन से जोड़ने की अति आवश्यकता है। घंटाघर से उत्तर में स्थित सब्जी मंडी उतरादा बाजार शहर के मुख्य व्यापारिक बाजारों में एक है। इस मार्ग पर भी सदैव भीड़भाड़ बनी रहती है। घंटाघर से दक्षिण में जाने वाला दूगढ़ स्कूल मार्ग भी शहर का महत्वपूर्ण बाजार है। यह मार्ग घंटाघर को बीकानेर मार्ग से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह लगभग 2.25 किलोमीटर लंबी सड़क अपने दक्षिणी छोर पर बीकानेर मार्ग पर जुड़ जाती है। शहर के मुख्य चौराहे अशोक स्तंभ से दक्षिण की ओर रतनगढ़ मार्ग पर कुछ ही दूरी तय करने पर एक और मुख्य चौराहा दिखाई पड़ता है। यहां से पूर्व की ओर आचार्य तुलसी मार्ग गांधी चौक की ओर एवं दक्षिण पूर्व में बीकानेर मार्ग प्रारंभ होता है। दक्षिण की ओर सड़क तहसील सत्र न्यायालय SDM कार्यालय चूरू मोड़ आदि से होकर रतनगढ़ की ओर प्रस्थान कर जाती है। रतनगढ़ मार्ग पर ही शहर का SBD राजकीय महाविद्यालय भी स्थित है। रतनगढ़ मार्ग पर स्थित इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर क्षेत्र में आस्था का मुख्य केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। रतनगढ़ मार्ग पर स्थित चूरू मोड़ से पूर्व की ओर का मार्ग जिला मुख्यालय चूरू से जोड़ता है। चूरू से सरदार शहर की दूरी लगभग 55 किलोमीटर की है। दक्षिण पश्चिम में श्री डूंगरगढ़ बीकानेर की ओर जाने वाला मार्ग शहर में बीकानेर मार्ग के रूप में जाना जाता है। इस मार्ग पर भी अब तेजी से आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियां विकसित हो रही हैं। यह मार्ग सरदार शहर को श्री डूंगरगढ़ बीकानेर आदि मुख्य शहरों से जोड़ता है। सरदार शहर जैसे सुंदर शहर में आना और इसे कैमरे में सजोना एक यादगार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सरदार शहर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो सरदार शहर शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।